क्या आपके पास केक लेने ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सीमित कस्टमर के बीच आपको मौके का फायदा उठा के केक सेल्स बढ़ाना है तो ये वीडियो जरूर देखो। ये केक भी मुझे इसी मौके से मिला है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 2 kg 2 tier 2 flavor 2 color में फास्ट बर्थडे केक, और उसके साथ ही जानेंगे अगर आपके पास कुछ ही कस्टमर आ रहे हैं तो उन्हीं कस्टमर के बीच हमें केक सेल्स बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है वो आज हम जानेंगे। तो पहले आइए हम ये 2 tier केक बना लेते हैं। ये 2 kilo का केक है। इसके लिए मैं 3 cake sponge बेक करके पहले से रखा है। बॉटम लेयर का केक 1 kilo के लिए है। होममेड प्रीमिक्स 400 ग्राम लेके 8 inch की टीन में बेक की हूँ, और टॉप लेयर भी 1 kilo का बनेगा। उसके लिए भी 400 ग्राम प्रीमिक्स लेके 2 6-inch टीन में केक स्पॉन्ज बेक किया है। सारे स्पॉन्ज को 3 3 layers में कट लगाया। ये बॉटम लेयर पाइनएप्पल फ्लेवर का है। 10 inch का गोल्डन MDF बेस लिया हूँ। बेस के ऊपर केक का पहला लेयर रख के चीनी पानी में पाइनएप्पल एसेंस और क्रॉस मिला के अच्छे से मिक्स करके पाइनएप्पल का सिरप बनाई। उसी सिरप में ये केक को सोक करके देन क्रीम अप्लाई करके क्रीम के ऊपर पाइनएप्पल क्रॉस देके अच्छे से स्प्रेड करी। बहुत अच्छा टेस्ट के लिए व्हाइट चोको चिप्स भर भर के दी। सेम प्रोसेस को फॉलो करके केक की तीनों लेयर को देके क्रम कोट कर ली। देन केक को अच्छे से सेट होने के लिए 1 hour के लिए फ्रिज में स्टोर करी। सीमित कस्टमर के बीच में एक ही टाइम में ज्यादा केक बेचने का मौका आपको कैसे मिलेगा? फ्रेंड्स, कस्टमर जब कहते हैं मुझे 1 kilo का केक चाहिए, और अगर केक का वैरायटी आपके पास अवेलेबल है, ज्यादातर हम होम बेकर के पास तो केक अवेलेबल नहीं रहता है, हमको ऑर्डर देने से हम बनाते हैं, तो कोई बात नहीं। या फिर आपके पास अगर आपका बनाया हुआ केक का पिक्चर भी है, तब आपको पूछना चाहिए कस्टमर को केक किस रेंज का चाहिए आपको। जब कस्टमर एक परफेक्ट प्राइस बता लेते हैं तो आप उस कीमत के अंदर 2-4 वेराइटी का ब्यूटीफुल केक पिक्चर उनको दिखा दे, और साथ ही पिक्चर दिखाते वक्त ये सवाल उनसे पूछिए, क्या इससे थोड़ा ऊपर रेंज का केक चलेगा? तो अगर कस्टमर कहते हैं कि मुझे 500 के बीच में केक चाहिए, तो आप उनसे उसी रेंज के अंदर 2-3 फ्लेवर का डिफरेंट डिजाइन का केक पिक्चर दिखा दीजिए। फिर आप उनको पूछ सकते हो कि इससे ज्यादा रेंज का केक भी है, जैसे कि 1 kilo को 700 या फिर 800 में वो मिलेगा। तो आप कस्टमर को उस केक के क्वालिटी के बारे में जरूर बता दीजिए कि 700 में मिलने वाले केक और 500 में मिलने वाले केक में डिफरेंस क्या है। 500 में मिलने वाला केक में से 700 का जो केक वो बेहतर क्यों है? और अगर आपका कस्टमर 700 रुपीस का केक खरीद लेते हैं तो ये है एक मौका जो आप अपने कस्टमर को अपनी क्षमता से ऊपर में केक बेचने का, और उसके साथ आपके पास अगर पेस्ट्री, कपकेक्स और वेराइटी जो डिफरेंट वेराइटी का चॉकलेट है तो भी आप उन्हें वो ऑफर भी दे सकते हो। आपके कस्टमर और आपके बीच में ये जो बातचीत है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वक्त लगता है, और कस्टमर के साथ आपका कुछ बातचीत भी होता है, तो उनका इंटरेस्ट किस में है आप जान लीजिए, क्योंकि यही कन्वर्सेशन आपको एक्स्ट्रा सेलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। आप कस्टमर को उनके बातचीत से समझाने की प्रयास जरूर करें कि वो आपको कितना सेल दे सकते हैं। साथ ही ये अंदाजा लगाने की कोशिश जरूर करें कि कौन सा केक, कौन सा फ्लेवर और डिजाइन
उस कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। आप नेक्स्ट टाइम उसी डिजाइन और उसी फ्लेवर का केक उनको ऑफर करें और अपना कस्टमर को एक थैंक यू जरूर बोले। और सबसे बड़ा चीज है फ्रेंड्स, हमेशा केक का क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, अच्छा टेस्ट का केक बनाएं। जैसे ये केक मैं बनाई हूँ बटरस्कॉच फ्लेवर का, लेकिन क्रीम में कंडेंस मिल्क ऐड किया और जो फिलिंग्स में व्हाइट चोको चिप्स दे दी, जो बटरस्कॉच के फ्लेवर में वो व्हाइट चोको चिप्स दी अच्छा टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये टॉप लेयर को भी मैं सेम प्रोसेस से क्रम कोट करके ये पिंक कलर का क्रीम बना के ये मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। फिर इसमें हम डायमंड डिजाइन बनाएंगे, ऐसे टूथपिक लेके क्रॉस क्रॉस करके इसे मार्क करके हम डायमंड डिजाइन बनाएंगे। और एक बात है फ्रेंड्स, आपका बनाया हुआ केक जब पार्टी में जाएगा, अगर आपका केक का डिजाइन और टेस्ट अच्छा रहेगा तो उस पार्टी में भी लोग पूछेंगे कि ये केक आप कहाँ से ऑर्डर किए थे। फिर वही कस्टमर आपका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर जरूर नया कस्टमर को देंगे। तो फ्रेंड्स ये केक पहले मुझे 1 किलो का ऑर्डर था 400 रुपीज में, लेकिन इस तरीकों से मैं कस्टमर को ऑफर पे ऑफर दिया और लास्ट में ये केक कस्टमर 2 किलो में 1200 रुपीज में बनाने को ऑर्डर दिए थे। और फिर इसी पार्टी से मुझे दूसरा केक का ऑर्डर भी मिला था, वो भी टियर केक था, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं पाइनएप्पल केक और बटरस्कॉच केक बना के अच्छे से फाइनल फिनिशिंग देके ये केक के ऊपर केक को शिप करके फिर यहाँ पर मैं पिंक और व्हाइट कलर की क्रीम से ये मैं रोजेट्स बना रही हूँ 1 mm नोजल की हेल्प से। फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताइएगा आज का ये डिजाइन और आज का ये दोनों फ्लेवर आप सबको कैसा लगा। और अगर आपका केक रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हो, मैं आप सबका सारे डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर R11 नोजल से मैं ये जो डबल कलर की क्रीम से ये मैं 3 रोज बना के ऐसे केक के ऊपर प्लेस किया और कुछ स्प्रिंकल से ये केक को डेकोरेशन करके फर्स्ट बर्थडे और ये जो श्रेयांश है बच्चे का नाम, ये बर्थडे बॉय का केक था, ये लिख के फिर ये केक का फाइनल लुक बनाया हूँ। तो देखिए हमारे ये 2 फ्लेवर 2 किलो 2 कलर का केक बनकर रेडी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।